हाँ चलो अभी हेडिंग लिखो मेरे रसगुल्ले बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो जल्दी से, और सभी लोग सीधे बैठेंगे। हाँ क्या करूँ, सभी लोग सीधे बैठो और चार पांच दांत दिखा दो अपने। नो से डायरेक्ट। चलो देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत प्यारा टॉपिक है, बताया तुम्हें गुड़िया। कौन था, कौन है बाबू, आ जाए अंदर। अरे आना भाई, नहीं तू जा भाई। थैंक यू मैम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मुझे अब समझाओ क्यों नहीं आ रही थी, भाई बोला ना। चलो सुनो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सुन भाई सुन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंडीशन नंबर वन, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग यू हैव डन इन योर 11th एंड 12th। जो लोग साइंस है खुश रहो, बख्शिश में है तुम्हें, ये कुछ नहीं करना है तुम्हें। मेरी दिक्कत उनसे है जो कॉमर्स में पढ़ के आए और जिनको कुछ याद है, तुम्हें भूलना पड़ेगा जो तुम करके आए, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में और एक चीज सुन लीजिए कि देर आर ब्रॉडली टू एरियाज विच यू आर गोइंग टू स्टडी। द फर्स्ट एरिया इज थ्योरेटिकल एंड द अदर वन इज प्रैक्टिकल। तो पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को डिवाइड करो दो पार्ट में, वन इज थ्योरी एंड द अदर वन इज प्रैक्टिकल। वन इज थ्योरी एंड द अदर वन इज प्रैक्टिकल। तुम्हें भारत की एक खास बात बताता हूं, जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल में कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। ये इस चैप्टर की और एक खास बात है, जो थ्योरी में पढ़ोगे उसका प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन थोड़ा सा कम ज्यादा ही होता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट टू मैच नहीं कर सकते। इसीलिए हम थ्योरी को बाद में थ्योरी के एंगल से ही पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे। हमें क्या डील करना है, प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकली रेक्टिफाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, दो पार्ट। सो प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा इसके दो हिस्से, इसको हम डील करेंगे तब कैसे, दो हिस्से लिखो। इसमें दो एरियाज और है जहां पर मिस्टेक हो सकती है। ये बताओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज थ्योरी एंड द अदर वन इज गुड़िया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो एरर है दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, टू पार्ट्स। द वन इज सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के एरर, ओके। और दूसरा एरर है बेटा लेजर का, सब्सिडरी बुक का एरर, और कौन सा, लेजर का। हो कोई क्वेश्चन किसी को, चलो आगे ले जाओ। कौन से दो टाइप के एरर है, सब्सिडरी बुक और एक लेजर। तो हम एक काम करते हैं, वापिस से याद करते हैं हमारे पुराने दिन जब हमको सिखाया जाता था कि अकाउंटिंग कैसे करना है, और मैंने भी आपको पढ़ाया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले क्या होता है, क्या बोले, जोरदार मेरा बच्चा एकदम खतरनाक तरीके से बोलता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल, फिर अच्छा लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हो इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, रसगुल्ले सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस, इनवॉइस ही गलत मिल गया उसका रेक्टिफिकेशन मैं नहीं सिखा सकता, उसका क्या सिखाऊंगा। मेरे एरिया ये दो है, राइट। जर्नल, जर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट पार्ट, सिक्स पार्ट। सब्सिडरी बुक क्या बताओगे क्या आपको आंसर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, और जर्नल प्रॉपर, ऐसे ही तो होता है ना। तो जर्नल इज डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट। सो मैं आपको जब बोल रहा हूं कि आपके एरर क्लासिफाइड होते सब्सिडरी बुक में या लेजर में, से यस यस। तो खरबूजे इन दोनों एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, गुड़िया सीधे बैठ, इन दोनों एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए दो शब्दों के अलग अलग प्रयोग होता है, एग्रीड। जैसे इसके लिए जर्नल के लिए शब्दों का प्रयोग होता है रिकॉर्डेड, एंटर्ड, बशी गई गांव पर फिराइज, नहीं बशी गई गांव पर फिराइज, और ये क्या है, जनरली। जनरली का मतलब समझ में आता है क्या, वी आर इन इंडिया, हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार शब्दों का प्रयोग गलत जगह पे गलत तरीके से होगा। मतलब लेजर के एरिया को भी वो संबोधित करेंगे विद द वर्ड रिकॉर्डेड एंड एंटर्ड, से यस। बट मेरे रसगुल्ले बच्चों मैं तुम्हें बताऊं, आइडियली ये शब्द जब आए
recorded or entered, तो वो error majority chances है कि journal या subsidiary book से ताल्लुकात रखता है. But जब शब्द आए debited, credited, posted, तब वो error ledger से ताल्लुकात रखता है. तो मेरा रसगुल्ला बच्चा मुझे ये पूछ रहा है, सर क्यों बता रहे इतनी सब महामाया? थोड़ी देर शांति रखो, सब समझ में आएगा. क्योंकि आज के दिन मैं डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड लूंगा ही नहीं. आज मैं बात करूंगा जर्नल की, और जर्नल के एरर को डील करने के पहले आपको ले जाऊंगा और बताऊंगा, याद दिलाऊंगा कि जर्नल में होता क्या एक्चुअली. तो जब तुम समझोगे तो अपने आप रेक्टिफाई करना शुरू कर दोगे. तो वहां पर शब्द ये इंपॉर्टेंट है. मेजॉरिटी बच्चों को शब्द का ही मीनिंग नहीं समझ. रिकॉर्डेड और एंटर्ड इस शब्दों के कुछ मायने हैं. ये एरर होता है जर्नल या सब्सिडरी बुक में. और जब मैं शब्द यूज करता हूं डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, तो ये एरर होता है लेजर में. लेजर मतलब ऐसा टी शेप अकाउंट में. से यस, पूछो क्या, मुझे बताओ. रिकॉर्डेड, एंटर्ड मतलब एरर किधर है? जर्नल या सब्सिडरी बुक. और अगर मैं ये शब्द यूज करूं डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, तो एरर किधर है? लेजर में. ठीक है, हाँ. इतनी देर में तो हाथी अंदर बाहर आ जाता. करो, लिख लो ये यहां तक. चला जैसे से बड़े बड़ा सुनो अभी. अरे किसी को कोई शंका कुशंका इसमें? क्लियर है? अब सुनते जाइए क्या होता है. हम पहले किसको पकड़ेंगे? जर्नल. तो जर्नल की पहले समझेंगे प्रोसेस, और एक बार प्रोसेस समझ गए तो फिर उसमें एरर करेंगे. हो, अरे सिखा दू क्या? श्रीमंत, जर्नल में एक परचेस बुक होती है, याद है तुझे? अरे नलायको, जर्नल में एक परचेस बुक होती है कि नहीं होती है? हाँ. सो ये देखो, परचेस बुक कैसे होती है? ये ऐसी वाली परचेस बुक होती है क्या? अच्छा, परचेस बुक की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, बोलो हाँ. कितना प्यारा बच्चा है. ये रुपीस, इधर पर्टिकुलर्स. कोई नहीं लिखेगा, मैं वापस लिखना चालू करता हूँ. ठीक है, आपका नाम? पायल. आपका नाम? सु मित. आपका नाम? हाँ, जय. जय, इधर इधर. आपका नाम? हाँ, तुम्हारा नाम बता दो. चश्मा. राम. राम नाम है तुम्हारा? ओके. और आपका नाम? हाँ, रूचा. ठीक है ना. अरे एक और आदमी का नाम लिखना रह गया यार, तुम्हें पता है ना कोई जिसका नाम लिखना रह गया? कौन कौन कौन? हाँ, तो नाम रह गया है चंपा. ठीक है, तो सुन अभी क्या हो रहा है. हम लिखेंगे पायल को 7,000 का बेचा, ये बेचा नहीं, ये परचेस बुक. अरे बाबा, हाँ परचेस बुक. ठीक है, फिर सुमित को बेचा 6,000 रुपए का, जय को बेचा 200 रुपए का, नहीं परचेस किया, राम से परचेस किया 7,200 का, रुचा से 3,000 का, और पता है तुम्हें? चंपा. चंपा 2000. ठीक है, और इसकी टोटल बता दो. 7 × 13 कितना? 7 × 13 13 2 6 13 2 6 7 म्हणजे
झूठ बोलती है छोरी, 25,000, 25,000, 200 ना, हाँ ठीक है, वो गलती हो सकती है, 400, बेटा वेरी गुड है, बट आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड, 23,400, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बशिकेन गाँव पर फिरा, अभी सुनो तो सरी, ये टोटल हो गई 25,400, अच्छा, बट अगर आपको याद होगा एकदम इत्मीनान से, ये जर्नल का स्वरूप है, परचेज बुक जर्नल का स्वरूप है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली इसका पोस्टिंग लेजर में कैसे होता है। ये तो जर्नल है, ये क्या है, जर्नल है, एग्रीड। अब इसकी पोस्टिंग बता दो, जब तुमने पायल लिखा यहां पर तो तुम लेजर में गए और लेजर में पायल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एंट्री क्या थी, परचेस टू पायल। तो बेटा जी मैं क्या लिखूंगा, बाय परचेसेस 7,000। वैसे ही बेटा मैं कौन से अकाउंट में गया, सुमित, और सुमित के यहां पर कितना गया, बाय परचेसेस कितना, 6,000, बोलो हाँ। और रसगुल्ले फिर मैंने लिखा जय, बाय परचेसेस कितना लिखूंगा, 200। और बाय राम अकाउंट के, बाय परचेसेस 7,200। रुचा, बाय परचेसेस 3,000। चंपा, चंपा के क्रेडिट साइड में 2,000। से यस, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जो कुछ भी मैंने कहा और अभी आपको दिखाया, ऐसे सही से होना चाहिए था और ऐसा हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक ही इफेक्ट दिया है, कौन सा इफेक्ट बेटा जी, क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट कहाँ है, डेबिट कैसे होता है, सुन लो ध्यान से, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार इसकी टोटल ली जाती है, और वो कितनी आती है, 25,400। जब टोटल ली जाती है तब बेटा ऐसे होता है कि आपका और एक अकाउंट बनता है, परचेसेस अकाउंट, और परचेसेस अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं आप, डेबिट साइड में, क्या लिखते हो, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कितना लिखते हो, 25,400। रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट अ क्वेरी। ऐसे ही होता है ना ये रसगुल्ले बच्चे, जब तक तुमको ये बात पता ही नहीं चल रही है कि पोस्टिंग कैसे होती है तब तक गड़बड़ी रहेगी, ठीक है। अब तुमको पता है ना मेरे को फोन आएगा, अच्छा पहले 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 दो मिनट, पहले मुझे बताओ पोस्टिंग बराबर हुई क्या नहीं हुई, ये सब कुछ बराबर, तो तुमको पहले मैंने प्रोसीजर बताई कि प्रोसीजर में क्या, पायल से परचेस किया, पायल का अकाउंट बना, पायल के इसमें पोस्टिंग होती है, डेबिट पोस्टिंग अभी नहीं जाती। से यस, चलो मैं अभी आपको एक एरर बताता हूं, परचेज बुक की टोटल लेने में गड़बड़ी, क्यों, जब भी मैं टोटल लेता हूं तुम्हें पता है मुझे किसका फोन आता है, चंपा का, तो चंपा का फोन आया, ठीक है, हाँ चंपा कैसी है, क्यों चाय पीनी है, ओके ओके ऑल राइट आई विल टेक यू, है ना, चलो जाएंगे आज, बाय। क्या हो गया, झोल कर दिया ना चंपा ने, किधर एरर हो गया, टोटल में एरर हो गया इधर। अब टोटल में एरर हो गया तो इसकी पोस्टिंग गई परचेस अकाउंट में, से यस, इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, कास्टिंग अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। क्या आपको ये फील हुआ, क्या कोणाला फील होत नहीं है, डॉक्टर ने दाखवना ना तुमको फील हुआ क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने परचेस बुक में लिखा सारा, तो परचेस बुक में सब कुछ सही लिख दिया, सब कुछ सही लिख दिया, बट टोटल लेते हो गड़बड़ हो गई, मतलब इंडिविजुअल अकाउंट में एरर नहीं है, एरर किसमें, सिर्फ टोटल में, और टोटल कहां पे पोस्ट होती है, परचेस अकाउंट में, तो रेक्टिफाई भी हमको परचेस अकाउंट में ही करना पड़ेगा, बोलो ना, हाँ हाँ, क्या मेरी बात आप तक पहुंची, जहन तक, अच्छा दूसरा सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है चंपा का फोन आया वापिस, ठीक है, अब कलर कौन सा लूं मैं, ब्लू कलर में कर रहा हूं, ठीक है, हेलो चंपा, 2,000 का गुड्स बेचा ना, हाँ आओ आओ चंपा तुम भी आओ तो अरे यार क्या झूल कर दिया, बोला
relax, relax, relax. बैठ के चंपा और चंपी सुनो अभी सुनो. अब मैं एरर कर रहा हूं ऑफिस. एक एरर तो समझ में आया, कास्टिंग एरर. दूसरा सिंगल साइड का एरर बता दो. हाँ या फोन मुझे. हाँ चंपा. अच्छा ओके. क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रही है? ठीक है ओके करता हूँ मैं कॉल वापस. बाय. चंपा का फोन है, पता चल रहा है ना एरर हो गया. इधर झंडू, इधर बराबर लिखा है, इधर झोल किया है. झिपा के नहीं झिपा तो बेटा जी एरर कौन से अकाउंट में हो? सिर्फ एक साइड में एरर है, ये वाला टोटल बराबर जाएगा और इधर पोस्टिंग भी बराबर हो जाएगी. इसलिए अगर मैंने ऐसे बोला परचेज फ्रॉम चंपा फॉर 2000, परचेज फ्रॉम चंपा फॉर रुपीज 2000, क्रेडिटेड टू चंपा अकाउंट 20,000. तो शब्द का क्या प्रयोग हुआ? क्रेडिटेड. तो एरर किस में? चंपा में. परचेस अकाउंट में एरर नहीं है, यह बताने का तरीका होता है. औकड़ता है क्या है? तो अभी मैं तुमको पहले प्रोसीजर बताया और फिर एरर कमिट करके बता रहा हूं. तो तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि एरर क्या हुआ. नेक्स्ट, और एक एरर. तुमने माल किससे बाय किया? चंपा से. अरे बोलना हाँ. तो फिर वापिस आया फोन. हाँ चंपा कैसी हो? नहीं यार क्या है, नहीं जमता वो आदमी बराबर नहीं है. ठीक है तो तुम बता दो. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है हाँ यार, तुम्हारा फोन कैसे नहीं उठाऊंगा, उठाना पड़ता है. ठीक है चल बाय. क्या समझे, क्या एरर हो गया? मैंने कहां पे लिखना चाहिए था? क्रेडिट में. लिख दिया कहां पे? डेबिट में. तुमको एरर समझ में आया क्या? इससे परचेस अकाउंट में कोई झोल नहीं हुआ, इधर ये सब ठीक ठाक चल ही रहा है, बट एरर कहां पे हो गया? इधर. तो बेटा पहले समझने की कोशिश करो, कुछ एरर एक ही अकाउंट को अफेक्ट करेंगे और कुछ एरर दोनों अकाउंट को अफेक्ट करेंगे. से यस. समझ में? तो शब्दों को कहां पे मायने दोगे? रिकॉर्डेड एंटर्ड, ये मतलब सब्सिडरी बुक के एरर. अब मैं तुम्हें सब्सिडरी बुक का एरर करके बताऊं, दिखाऊं. ठीक है एक दो बुक्स देना, दो बुक्स. थैंक यू मैम. ये मेरे पास दो बुक्स है. ठीक है कितने बुक्स है दादू? दो. ठीक है ये परचेस बुक है, दिख रही है ना तुम्हें? और जिसमें शेयर है ये सेल्स बुक है. हो मैं ऑफिस से पूछता हूं, ये कौन सी बुक है? परचेस बुक. और ये कौन सी बुक है? सेल्स बुक. ठीक है दोनों अलग अलग बुक्स है. ठीक है हाँ. फिर वापस फोन आया. अरे चंपा क्या, कितने दिन हो गए फोन नहीं उठाती, कुछ नहीं. अच्छा अरे नहीं रे, वो एक परचेस की एंट्री करने की थी. ये कौन सी बुक है? अच्छा तुमको क्यों बताया अभी बीच में टाइम पॉज लेकर? चंपा से बात करते करते पॉज किया मैंने, तुमको बता रहा हूं. ये कौन सी बुक है? परचेस बुक. ये कौन सी बुक है? सेल्स बुक. हाँ नहीं? आप ध्यान से सुनो, फोन नीचे रखा म्यूट पर. चंपा से बात करते करते मैं परचेस की एंट्री इसमें लिख दूंगा, क्योंकि देखो मैं बात करूंगा, मैंने तो किया है परचेस, बट मैं एंट्री कर दूंगा सेल्स बुक में. ठीक है ना? आया चंपा का फोन. हाँ चंपा ठीक है. हाँ कोई बात नहीं. ओके हाँ पेप्सी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी नहीं होती. हाँ ठीक है चल बाय. क्या एरर कर दिया मैंने इस बार? तो साला बुक ही चेंज कर दी है. समझ में आ रहा है? जब बुक चेंज हो जाती है मतलब पहले एरर ही इधर हो गया, तो उसका पोस्टिंग भी उसी हिसाब से जाता है. रिकॉर्डेड में दोनों तरफ एरर हो गया, बुक चेंज और लेजर में भी गलत जगह चला जाता है. अरे बोलो ना. हाँ क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? तो अब आपको मैं क्या बता रहा हूं कि डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड ये शब्द अलग होते हैं, रिकॉर्डेड और एंटर्ड ये शब्द अलग होते हैं. रिकॉर्डेड और एंटर्ड जनरली आपको ये बताएंगे कि दोनों साइड में एरर है, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड किसी एक अकाउंट में एरर है. मेरे को नहीं समझा? डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड पूरे बोला दोनों अकाउंट में एरर है कि एक अकाउंट में? एक. रिकॉर्डेड और एंटर्ड दोनों अकाउंट में एरर है. क्या बात समझ में आई? ये शब्दों के मायने समझना और फिर हम आगे बढ़ेंगे. चलो अभी आगे. अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने कुछ शॉर्टकट्स बनाए अभी और वो तुम खुद भी मानोगे कि यस सर बहुत भारी बना दिया, अच्छा हुआ, धन्यवाद. सुनो अभी मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्डेड और एंटर्ड के एरर्स.
ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति 11th 12th के बेसिस पर अगर सॉल्व करना चाहता है तो अभी हाथ ऊपर कर दो, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तुम सॉल्व कर दो, या तो उसको भूलो और मेरे साथ चलो। तो है कोई 11th 12th का कैंडिडेट इधर है? तो फिर मैं पूछता हूँ, कोई कैंडिडेट नहीं है, तो फिर मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे सीखते जाइए। सुनिए, रिकॉर्डेड और एंटर्ड में दोनों साइड में एरर होता है, पूरी ट्रांजैक्शन ही गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गई है, पूरी ट्रांजैक्शन ही गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गई, उसमें बुक्स ही अदला बदली हो गई है। परचेस बुक में रिकॉर्ड करना था, सेल्स बुक में, अब परचेस बुक में रिकॉर्ड किया तो सिर्फ परचेस अकाउंट में एरर नहीं है, एरर है पार्टी के अकाउंट में भी। जैसे एक बार देखो, परचेस बुक एक होती है से यस, और दूसरी होती है सेल्स बुक, ठीक है, तीसरी होती है सेल्स रिटर्न बुक, चौथी होती है, सर क्या बात करो आज तो एकदम ज्ञानी बांटे जा रहे हो तुम, सेल्स रिटर्न बुक, और जोरदार बोले हो तुम, है ना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, इनसे जो अकाउंट निकल के बाहर आते हैं ना, उन अकाउंट्स का नाम है परचेस अकाउंट, बोलो ना, हाँ, इसका होता है सेल्स अकाउंट, इसका सेल्स रिटर्न अकाउंट, और इसका परचेस रिटर्न अकाउंट। सर इन दोनों में क्या फर्क है, दिख रहा है ना फर्क, लेफ्ट बाजू में बुक शब्द यूज किया है, राइट हैंड साइड में अकाउंट का प्रयोग किया है। अब मैं आपसे पूछूंगा, परचेस अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है? अरे आवाज नहीं आ रही है, डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स को? ओहो, सेल्स का मनते हैं क्रेडिट, ओके। सेल्स रिटर्न को? अरे क्या हो गया इंडिया, सॉरी बाबा ऐसा ना करो, मेरा अच्छा रिवीजन नहीं लिया बाइकों ने, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस रहे झंपड़े, हाँ ठीक है। सेल्स रिटर्न नहीं, अब चुप ऐसे नहीं करते बेटा, जल्दी से बता दो कौन सा, डेबिट, परचेस रिटर्न, क्रेडिट, से यस, यस। ये बैलेंसेस मैंने डिफाइन किया कि पहले से डिफाइंड है? जब 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 डेबिट क्रेडिट में चला जाता है या क्रेडिट डेबिट में चला जाता है तो उसको मैंने नामकरण किया, ऐसा कोई आपको कोई नोटबुक में टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। बस शॉर्टकट तैयार करने के लिए मैं उसको बोलूंगा इंटर कैटेगरी, काई झेपलेल नहीं है। जब डेबिट क्रेडिट में चला जाता है या क्रेडिट डेबिट में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर कैटेगरी। उदाहरण के तौर पर परचेस को होता है डेबिट बैलेंस, ये कौन सी बुक है, परचेस में रिकॉर्डिंग करनी थी बट मैंने कर दिया सेल्स बुक में, ये हो गई इंटर कैटेगरी, क्योंकि डेबिट चला गया है क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट में चला गया। काई झेपला का तुम्हारा, मुझे नहीं समझा, बताओ मुझे, बताओ परचेस को कौन सा बैलेंस और सेल्स, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जब परचेस का डेबिट बैलेंस है गलती से सेल्स बुक में चला गया तो ये क्या हो गया, इंटर कैटेगरी। बोल तो क्या, डेबिट क्रेडिट साइड में चला गया, क्रेडिट डेबिट साइड में चला गया, उसको क्या बोलते रहे पांडू, इंटर कैटेगरी, इंटर। जब डेबिट डेबिट में ही जाता है बट एरर है, जब डेबिट डेबिट में ही जाता है बट एरर है। उदाहरण के तौर पर परचेस का एंट्री चला गया सेल्स रिटर्न में, परचेस को कौन सा बैलेंस, डेबिट, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा कैटेगरी, कौन सी, इंट्रा, इंट्रा कैटेगरी। बस तुमको ये दो कैटेगरी आइडेंटिफाई करना, मैं ट्रिक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो पहला लिहून घेणे, बघू नका माझ्याकडे, लवकर लवकर लिहून घ्या।
रेडी हो बेटा, लिख दूं। जब परचेस बुक की एंट्री, परचेस बुक का एंट्री चला गया सेल्स बुक में, तो इसको बैलेंस होता है डेबिट और इसको बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसको कौन सी कैटेगरी हम बोलेंगे? इंटर कैटेगरी। हो बिल्कुल सही बेटा, इंटर कैटेगरी। हैप्सी दूसरा बघू ना, आता लिहून घ्या लवकर लवकर, नाहीतर अंधार होऊन जाईल, पुन्हा बस नाही मिळायची, लवकर करा। संतोष ध्यान दे बेटा, पीछे बैठकर दिन भर WWF देखते रहता है ना, लाइक एक दिन मार खा के आएगा फिर पता चलेगा कि कुछ नहीं रहता ऐसा। सपने देखता है वो WWF खेलूंगा बोलकर मैं जाके। चले भी आगे, दूसरा क्या होता है बेटा जी? परचेस बुक की रिकॉर्डिंग चली गई है सेल्स रिटर्न बुक में, ये डेबिट। गुस्सा है तो क्या, किसी डरते क्या अपन? हाँ, ये भी किधर गया? डेबिट में। सो डेबिट ही कहां चला गया? डेबिट में। ये कौन सी कैटेगरी हुई? इंट्रा, इंट्रा कैटेगरी। ठीक है, यस। अब गांव वालों सुन लो, आप तुमको शॉर्टकट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले मैं लॉजिकली सिखाऊंगा, पूरे लॉजिक्स में घुसकर अंदर तक सिखाऊंगा और तुम बोलोगे हाँ सर भारी मजा आ गया, फिर उतना करने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए फिर मैं आपको शॉर्टकट दूंगा और शॉर्टकट में पढ़ते ही तुम एंट्री बोल सकते हो मुझे, मतलब अगली बार तो फिर मैं एंट्री बोलूंगा और उधर से आंसर आ जाएगा। एग्रीड, मैं क्वेश्चन बोलूंगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतने लेवल तक मैं लेके आ जाऊंगा, बट आपको पहला लॉजिकली समझना जरूरी है, डायरेक्टली शॉर्टकट पर जाने में कोई सेंस नहीं है। तो पहले लॉजिक बताऊं, सो हियर इज द लॉजिक। मैं पहला लॉजिक आपको सिखा रहा हूं इंट्रा कैटेगरी, ठीक है? अब कोई नहीं लिखेगा, सब लोग सुनेंगे, नहीं तो लिख दो थोड़ा सा, हम लॉजिक इंट्रा कैटेगरी का, कई देर से बैठे हुए हो, इंट्रा कैटेगरी। लिखूं अभी? ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखो। Purchased goods from Ram recorded in sales return book. Purchased goods from Ram recorded in sales return book. लिखेगा क्या पांडू? नहीं दे दे, मैं इधर खाली बैठा हूं, मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब पूरी क्लास का ध्यान इधर है। आपको अगर ध्यान होगा तो परचेस बुक में अगर हमने लिखा तो उसकी एंट्री क्या होगी थी? परचेस बुक में रिकॉर्डेड है, वर्ड इज व्हाट? रिकॉर्डेड, राइट? तो एंट्री क्या हुई? मेरे राम तेरा नाम, इधर लिखता है इधर नहीं लिखता है, क्या करूं? तो बड़ा होकर सॉफ्टवेयर बनाना बेटा, फिर तेरे सर यूज करेंगे, ठीक है? अभी तो सुन ले, इससे ही काम चलाना पड़ेगा, ज्यादा चिप चिप मत कर अभी तो। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹2000 रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। तुम्हें पता चल रहा है इसका मीनिंग क्या है? इधर शब्द है रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब दोनों साइड में एरर है, दोनों साइड में एरर का मतलब अभी मीनिंग समझो, मीनिंग नहीं समझे थे तुम, मतलब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई ना पूर्णतः सेल्स रिटर्न के जैसे ही रिकॉर्ड हो गई है, ट्रांजैक्शन थी परचेस की बट रिकॉर्ड हो गई सेल्स रिटर्न, तो जरूरी नहीं कि दोनों साइड में एरर है, बट ध्यान रहे
ट्रांजैक्शन थी परचेज की रिकॉर्ड हो गई एज व्हाट सेल्स रिटर्न. सो अब आप मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होती है मैडम, आप बता सकती हो परचेज की करेक्ट एंट्री. कितनी प्यारी बच्ची है बट पेन नहीं चल रहा है. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बिले, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, डर गया. परचेसेस अकाउंट टू व्हाट राम, कितना है बेटा जी 2000 और 2000, डरता हूं क्या मैं. ये करेक्ट एंट्री, किसी को एक क्वेरी है तो पूछ लो. मतलब करेक्ट एंट्री तो परचेसेस टू व्हाट राम, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रिकॉर्डेड शब्द है. रिकॉर्डेड मतलब पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न के तौर पर रिकॉर्ड हुई है. एग्रीड, मुझे सेल्स रिटर्न की एंट्री चाहिए. सेल्स रिटर्न टू राम, सेल्स रिटर्न टू राम 2000. बराबर है. कौन सा व्यक्ति सही जगह पे गया है सही और करेक्ट एंट्री में. ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री. कौन सा व्यक्ति सही जगह पे गया है? राम सही जगह पे गया है क्या? देखो राम इधर भी क्रेडिट है और इधर भी क्रेडिट है, तो इसको चेंज करूं या नहीं करूं? इसको चेंज करूं या नहीं करूं? नहीं. मान लो तू और रसगुल्ला दोनों एडलैब्स इमेजिक आ गए. एग्रीड, जरा ध्यान से सुनना. तुम्हारा नाम अथर्व और रसगुल्ला दोनों कहां गए? एडलैब्स इमेजिक. कौन भागा रे? कौन भागा अभी? जरा से कैसे बोला? बोलना कोई दिख कर गई तुझे? फिर क्यों खुश हो रहा? क्या हुआ बता ना अभी उधर. हाँ ठीक है, हरा भरा हो गया वो एकदम. हाँ अरे तुम दो मिनट, तुम रेक्टिफाई कर सकते कि नहीं ये बताओ पहले. अथर्व और रसगुल्ला दोनों कहां गए? एडलैब्स इमेजिका. एग्रीड. अब एक एस्ट्रिक मार्क है, रसगुल्ला बुरखे में गया था. समझ में आ रही बात ध्यान में? रसगुल्ला बुरखे में गया था. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पूरा का पूरा ही झोल हो गया एडलैब्स मैजिका में किसके साथ? अथर्व के साथ. तो मुझे बताओ कौन गलत जगह पे था? कौन गलत जगह पे था? कौन सही जगह पे था? तो अथर्व उधर ही रहेगा और उसने वहीं के वहीं पे झाड़ा उसको. रसगुल्ले को बोला गेट लास्ट नलायक, वो फिर कॉल कर बोला अरे क्या यार किसको भेज दिया? हा ना भाई, तो फिर जो कोई भी एक करेक्ट आदमी आ जाएगा. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये नहीं जाएगा वापिस, ये करेक्ट आदमी को बुलाएगा. वैसे मेरी बात बताओ, जब आप करेक्ट एंट्री देख रहे हो तो क्या हो गया? परचेसेस टू राम. और रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री में राम को क्रेडिट होना है. रॉन्ग एंट्री में भी क्या हुआ है? सेल्स रिटर्न टू राम. राम सही जगह पे है इधर भी और इधर भी. बोलो तो हा ना. तो बेटा अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो कौन सी एंट्री हुई है? एंट्री तो ये हुई है ना, रॉन्ग एंट्री हुई, करेक्ट एंट्री हुई नहीं है. करेक्ट एंट्री तो हम बता रहे हूं आपको. तो करेक्ट एंट्री में परचेस डेबिट होना चाहिए था. एग्रीड. बट हुआ है क्या रॉन्ग एंट्री में? नहीं. बुक्स में एंट्री कौन सी हुई है? रॉन्ग एंट्री हुई है कि करेक्ट एंट्री हुई है? तो मुझे रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा ना. तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न को टू सेल्स रिटर्न हो जाए. तो रिवर्स हो गया क्या ये 2000? इसका इफेक्ट नलीफाइड. ये आ रही है रेक्टिफिकेशन एंट्री, बट करेक्ट एंट्री भी तो देनी पड़ेगी. क्या? परचेस अकाउंट कितना? 2000. से यस. ये लॉजिक हुआ कि जो सही है उसको हाथ नहीं लगाया, जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, जो सही है उसको राइट इफेक्ट दे दिया. से यस. तुमको समझ में आया क्या? बट ऐसा करोगे ना तो तकलीफ में रहोगे. मेरे पास एक ट्रिक है, सुनोगे? सुन ले अभी बाबू. संतोष बहुत सड़ा रहे आज.
तेरे को वापरता ही नहीं मैं अभी, मैं दूसरी नोट ओपन करने वाला हूँ, तू कुछ भी कर ले। बहुत हो गए तेरे नाटक। सालू गुरु का इधर नीचे भी लिखता है, सुनो अभी, अब जरा ध्यान से सुनते हो। परचेस को कौन सा बैलेंस बेटा, सेल्स को कौन सा बैलेंस बेटा, और परचेस रिटर्न को क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न को, ठीक है ना। जब परचेस सेल्स रिटर्न में चला जाता है, या सेल्स रिटर्न परचेस में चला जाता है, या जब परचेस रिटर्न सेल्स में चला जाता है, या सेल्स परचेस रिटर्न में चला जाता है, तो इसको कौन सी कैटेगरी बोलते हैं, इंट्रा, ठीक है। पिछली मैंने एंट्री की थी परचेस फ्रॉम राम रुपीज 2000 वॉज क्रेडिटेड टू ए वॉज रिकॉर्डेड एज व्हाट, सेल्स रिटर्न, से यस। तुमको रेक्टिफिकेशन एंट्री करके बताऊं क्या, मुझे बताओ। परचेज फ्रॉम राम रुपीज 2000 वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न, तो मैंने इसकी करेक्ट एंट्री क्या की थी, परचेस टू राम, एक बार लास्ट बार हेल्प कर दो, 2000। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी थी, क्या क्या क्या, सेल्स रिटर्न टू राम, कितना 2000। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि राम सही जगह पे गए, बट रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो गलत गए उसको रिवर्स करना है, तो गलत कौन सी जगह पे बैठा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को डेबिट हुआ, उसको रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न कितना 2000, और डेबिट कर देंगे किसको, परचेस कितना कर दूं 2000। ट्रिक दूं क्या, सब भूल जाने का, पहले इंट्रा कैटेगरी सोचने का। इंट्रा कैटेगरी किससे पता चलेगा, रिकॉर्डेड, ये पहला शब्द इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डेड या एंटर्ड। दूसरा परचेस गया किसमें, सेल्स रिटर्न, परचेस को कौन सा बैलेंस, डेबिट, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, से यस, और डेबिट डेबिट, सॉरी सॉरी सॉरी, आज रिवीजन कम पड़ गया रे, बाइकों ने रिवीजन नहीं भी मतलब बरोबर। हाँ मेरे को बताओ क्या पहला कौन सा बैलेंस, परचेस कौन सा बैलेंस है, डेबिट, सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस है, डेबिट, और शब्द क्या है, रिकॉर्डेड। इससे ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंट्रा कैटेगरी। अब मैं आपको पूछूं सही ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस है कि सेल्स रिटर्न है, बस ये रही रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरी, सही क्या है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, गलत क्या हो गया, टू सेल्स रिटर्न 2000 2000, इसमें पार्टी नहीं आएगी, ट्रिक झेपली का नहीं। सही क्या है, परचेस, परचेस को क्या बैलेंस है, डेबिट, जो सही है उसको इफेक्ट दो, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स कर दो, बट ये कब करोगे पता है क्या, जब इंट्रा कैटेगरी होगी। इंट्रा कैटेगरी कब कब पता चलेगी, जब शब्द है रिकॉर्डेड और साथ में है परचेस गया किसमें, सेल्स रिटर्न में, या सेल्स रिटर्न गया किसमें, परचेस, परचेसेस में, या परचेस रिटर्न गया सेल्स में, या सेल्स गया परचेस रिटर्न। अरे मेरी बात समझ आती है क्या, इंट्रा कैटेगरी में डेबिट शुड गो इन डेबिट और क्रेडिट शुड गो इन क्रेडिट, तो उसमें क्या करना है ट्रिक, ये इंट्रा कैटेगरी है पता चल गया, तब क्या करोगे, सही क्या है वो इफेक्ट दो, जो उल्टा है उसको रिवर्स कर दो। मुझे नहीं समझा, इंट्रा कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई करते, डेबिट डेबिट में जाता है, क्रेडिट क्रेडिट में जाता है, दो शब्द आप देखेंगे रिकॉर्डेड, और परचेज बुक किसमें रिकॉर्ड हो सकती है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न किसमें रिकॉर्ड हो सकती है, परचेज बुक, बराबर है, नहीं बराबर बोला, अच्छा सेल्स किसमें रिकॉर्ड हो सकता है, परचेज रिटर्न, एग्रीड, और परचेज रिटर्न किसमें रिकॉर्ड हो सकता है, सेल्स में, एग्रीड। ओके जरा एक बार बताऊं आपको, और एक ये लिखने का मौका पूरा दिया जाएगा, एक बार देख लो, और एक सोल्ड गुड्स टू रवि रुपीज 9000 वॉज रिकॉर्डेड एज, वॉज रिकॉर्डेड एज सोल्ड है, तो मुझे इंट्रा कैटेगरी करना है, अभी मैं इंट्रा ही सिखा रहा हूं, तो मैं कौन सी बुक लिखूंगा, परचेस रिटर्न बुक, से यस। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछू क्या, ये इंट्रा कैटेगरी है क्या, पहले कैसे आइडेंटिफाई किया, सेल को कौन सा बुक, सेल को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, रिकॉर्डेड शब्द है क्या, ये प्रूव हो गया, ये क्या बना, इंट्रा कैटेगरी। मैं आपसे पूछता हूं सही क्या है,
सही क्या है? सो रेक्टिफिकेशन एंट्री में मैं लिखूंगा टू सेल्स. एग्रीड? गलत क्या हुआ? परचेस रिटर्न. तो मेरी एंट्री हो गई परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. समझे कि नहीं? कोई क्वेरी इधर तक? रसगुल्ले समझ में आया क्या? अगला पूछो क्या? चलो देखते हैं अभी इस बार तुमको आता है क्या. सेल्स रिटर्न फ्रॉम नगमा वॉज रिकॉर्डेड एज परचेसेस. नहीं, पहले शब्द बताओ मुझे. सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस? डेबिट. परचेस कौन सा बैलेंस? डेबिट. मतलब डेबिट डेबिट में गया है. रिकॉर्डेड शब्द है क्या? कौन सी कैटेगरी हुई? इंट्रा. इंट्रा कैटेगरी का तरीका एकदम सिंपल. रेक्टिफिकेशन क्या? सही क्या है? क्या सही है? ये क्लिक होता है क्या? किसको क्लिक नहीं हो रहा? बेशरम हो गया, हाथ ऊपर कर लो. पक्का कोई बेशरम नहीं है? हाँ. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेसेस. बेटा जी, जो आपने 11th 12th में सीखा उससे भी यही आंसर आएगा, बट उसमें कंफ्यूजन की स्कोप रहती है. मेरी मतलब मैंने बताते वक्त तो आपको बताया पूरी ट्रिक, मतलब वो बताया कि कैसे लॉजिक है उसका, कि करेक्ट एंट्री क्या हुई, रॉन्ग एंट्री क्या हुई, फिर मैंने बोला राम राम सही गया है, फिर बाकी की चीजों को क्या करना है रिवर्स, और हमारी एंट्री बन गई थी सही. यस और नो? सो क्या इंट्रा कैटेगरी का मैं ट्रिक बताऊं क्या कैसे लिखेंगे? देखो मैं ट्रिक मतलब दिमाग में कैसे रखेंगे घर जाने के बाद में चार्ट जब बनेगा, कि सर इसमें वर्ड आता है रिकॉर्डेड या एंटर्ड, और इसमें डेबिट डेबिट में जाता है या क्रेडिट क्रेडिट में जाता है. अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए सिंपल ट्रिक है, सही क्या है वो इफेक्ट दो, जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री. से यस. चलो लिहून घेणे. कोणी कोणाला सांगू नये आणि काय शब्द लिहून घ्यायचे? इंट्रा कॅटेगरी. इंट्रा कॅटेगरी. कोई आंसर नहीं लिखेंगे नीचे क्या? क्योंकि वो तो मैंने इधर बना कर दिया ना, आपको टेबल बना कर दिए, देखो तो उस टेबल में आएंगे आप. ठीक है, ऐसे हम कितने क्वेश्चंस करने वाले पता है क्या? सिक्सटी बेसिक क्वेश्चन में लेने वाला हूं, उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन आगे होंगे. 60 ओनली बेसिक क्वेश्चंस, मतलब सारी ट्रांजेक्शन आपको 60 क्वेश्चंस में डिवाइड करूंगा पहले, और उसके बाद में हम जाएंगे कहां पे, जो आपके मेन मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो आगे लेंगे. तो इसके बाद में बेटा गुंजाइश नहीं बचेगी कि आपको कोई चीज आ रही नहीं रही है, आ जाएगी. ठीक है, रेडी हो आप? बेटा जी, अब इसमें इंट्रा कैटेगरी है, दिख रहा है आपको? ये ट्रांजेक्शन नंबर मैंने आपको लिख कर दिया है फिफ्थ में, उसके हेडिंग को समझ लीजिए पहले. हेडिंग को समझ लीजिए, नीचे का कुछ लिखना नहीं बेटा, वो समझाने के लिए किया था. अब डायरेक्टली हम चले इधर, ट्रांजेक्शन नंबर 5, उसके हेडिंग को समझना जरूरी है बच्चों को. हेडिंग है बेटा जी, पहली क्या है? करेक्ट एंट्री. दूसरी है रॉन्ग एंट्री. और दूसरी हेडिंग क्या है? रेक्टिफिकेशन एंट्री. मिला क्या? प्लीज बी क्विक. देखो मैं इधर हूं, तो जो पहली है वो करेक्ट एंट्री है, दूसरी है रॉन्ग एंट्री है, तीसरी है रेक्टिफिकेशन एंट्री, और चौथी है एंट्री इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आज बात नहीं करेंगे हम, अभी के लिए हम आगे बढ़े. सो बेटा जी, मैं इसमें जहां पर जरूरी होगा मस्ट होगा वहीं पर करेक्ट एंट्री में एंट्री करूंगा, रॉन्ग एंट्री में एंट्री करूंगा, और रेक्टिफिकेशन एंट्री में लिखूंगा. जो शॉर्टकट से फुल प्रूफ तरीके से सॉल्व हो जाएगी उसके लिए मैं शॉर्टकट ही दूंगा. एग्रीड? तो हेडिंग क्या लिखिए? इंट्रा कैटेगरी. हाईलाइट करके रखो इंट्रा कैटेगरी. और इंट्रा कैटेगरी के लिए क्या लिख कर रखोगे? डेबिट गोज इन डेबिट, क्रेडिट गोज इन क्रेडिट, और शब्द कौन से? रिकॉर्डेड और एंटर्ड. रिकॉर्डेड और एंटर्ड. से यस.
सो बेटा जी इसके एंट्री तो मैं डायरेक्टली कौन से कॉलम में दिखा दूंगा, रेक्टिफिकेशन, तो आप कौन से कॉलम में लिखोगे बेटा, रेक्टिफिकेशन थर्ड कॉलम में। मैं यहां पर कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मेरे को बेटा वहां जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पीसी में करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री कहां पे लिखूंगा, फर्स्ट कॉलम में। आप कौन से कॉलम में लिखोगे, थर्ड कॉलम में। आई रिपीट, आप थर्ड कॉलम में लिखोगे, ठीक है। चलो सुनो अभी, सेल्स टू राम 100 एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक। पहला शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं, एंटर्ड, राइट। पहला शब्द जो इंपॉर्टेंट आपको मिला एंटर्ड, इससे समझ में आ गया कि ये इंटर कैटेगरी या इंट्रा कैटेगरी में बैठ सकता है। एंटर्ड के बाद में कौन से, इसमें सेल्स है, कहां गया, परचेस रिटर्न। सेल्स को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। क्या आपको लगता है क्रेडिट क्रेडिट में गया, सही क्या है। सो बेटा जी क्या मैं नहीं बोल सकता टू सेल्स, और डेबिट क्या, डेबिट क्या, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना 100 100, बात ही खत्म हो गई। इजी लग रहा है, यस, दिस इज इंट्रा कैटेगरी वे टू हैंडल इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप रेडी हो, गुड्स रिटर्न टू मेसर्स एबी ट्रेडर्स 100 एंटर्ड इन सेल्स बुक। अच्छा, गुड्स रिटर्न्ड मतलब हमने रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न होगा। अच्छा, वर्ड क्या है, एंटर्ड है क्या, राइट right? अच्छा, गुड्स रिटर्न कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। सेल्स बुक कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। तो क्या आपको लगता है क्रेडिट क्रेडिट में गया, और वर्ड क्या है, एंटर्ड। कौन सी कैटेगरी भी, इंट्रा कैटेगरी। डू ऑल अप्रिशिएट। मैं आपसे वापिस पूछना चाहूंगा इस क्लास में, सही क्या है, क्या राइट है इसमें, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, टू परचेस रिटर्न डेबिट व्हाट, सेल्स रिटर्न, से यस। सो मेक द एंट्री, ए सॉरी डेबिट सेल्स अकाउंट, सॉरी बाबा, वापिस बायकोला सांगणार मी काय, तू कसं रिव्हिजन घेते माझं, काय भी झेपत नाही मला क्लासमध्ये, हा 100, ठीक आहे, यस। सो इसकी एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ए बेटा प्लीज यार, कोई क्वेरी होगी तो अभी हाथ ऊपर कर लो, क्योंकि इस चैप्टर की बहुत बड़ी रिस्क है मेरे पास। वो रिस्क क्या है पता है क्या, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ये जो 60 बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसके बाद में मेरे को मौका मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को हाथ लगाने का, और अगर तुम ये भूल चुके होंगे फिर तुम मेरी उधर जाके बैंड बजाओगे, क्योंकि उधर तो मैं फास्ट रहूंगा, उधर बोलूंगा देखो ये यहां पर हमने ये किया था, फिर तो क्या है, क्योंकि अभी तो पूछ ले भाई, अगर अभी क्वेरी होगी तो। ये समझ में आता है इंट्रा कैटेगरी कैसे होता है, और इंट्रा कैटेगरी में जो सही है पहले उसको बैलेंस दे दे, जो दूसरा है उसको रिवर्स कर दे। चलो अभी चेक करते, गुड्स परचेस्ड ₹300 फ्रॉम राज ट्रेडर्स एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। मुझे इंटरेस्ट नहीं, पहले मुझे बताओ व्हाट इज द वर्ड आई हैव टू अंडरलाइन, एंटर्ड, ये एंटर्ड है क्या, अच्छा और क्या, परचेस्ड है क्या, परचेस को कौन सा बैलेंस, डेबिट, और सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस, कौन सा, डेबिट। इंट्रा कैटेगरी है क्या, सही क्या है, उसको कौन सा बैलेंस होता है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, एग्रीड। मेरी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 300, ओके ओके गुंडप्पा, पढ़ू क्या अगला वाला, गुड्स Returned by Anita ₹500, चुप ना लाइक, Entered in purchase book by Anita, हमने Anita को return नहीं किया, Anita ने हमको return किया है, sales return, agreed। अच्छा कौन सा word है, Entered है क्या, और goods return, sales return है क्या, और purchase book, purchase है, इसको पहले वाले को कौन सा balance है, sales return को, और purchase को, ये आइला क्या हुआ है, debit, डेबिट में गया है क्या, इसमें से सही क्या है, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो बताऊं क्या उसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 500। अरे मैं तेज लिखो, अरे परचेसेस बाइक को नहीं रिवीजन नहीं कितना 500, हैव यू अंडरस्टूड दिस, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेसेस अकाउंट 500 एंड 500। कोई क्वेरी, क्वेरी। अच्छा 11, 12 के बच्चों, क्या आपको ये अंदाजा आ गया है कि अगर आप करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और फिर तुम्हारे मास्टर ने सिखाया था रिवर्सल ऑफ
रॉन्ग एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री वैसा करते बैठोगे तो इधर बेल बज जाएगी पहले क्वेश्चन में. तो हो सके तो शॉर्टकट्स के ऊपर फोकस करो. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो मैं बिना लॉजिक समझाए आपको दूंगा, बट लॉजिक समझाने के बाद मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है बता दूंगा. तो घर पर रिवाइज कैसे करोगे? सब्सिडरी बुक्स में हेरा फेरी या तो इंट्रा कैटेगरी होगी या इंटर कैटेगरी होगी या कास्टिंग एरर होगा. दोनों ही चीजें मैं अभी आपको समझाता हूं कास्टिंग एरर कैसे हैंडल करते हैं. ठीक है, तो सुनो अभी अभी मैं आपको नेक्स्ट समझाने जा रहा हूं. समझा दूं क्या? इंटर कैटेगरी, तो हेडिंग लिखिए इंटर कैटेगरी. इंटर कैटेगरी, इंटर कैटेगरी में नीचे दिए गए शब्दों के ऊपर ध्यान दे एग्जाम में. एक होता है रिकॉर्डेड, एक होता है एंटर्ड, एक होता है रिकॉर्डेड, एक होता है एंटर्ड. और डेबिट जाता है क्रेडिट में या क्रेडिट जाता है डेबिट में, यह लफड़ा है. उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, परचेस गया सेल्स में या परचेस गया परचेस रिटर्न में. अरे समझ में आ रहा है क्या? परचेस या तो सेल्स में गया या कहां गया? परचेस रिटर्न में. परचेस को कौन सा बैलेंस? डेबिट. सेल्स को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. मतलब ईदर ऑफ देम, परचेस की रिकॉर्डिंग हो गई परचेस रिटर्न बुक में या परचेस की रिकॉर्डिंग हो गई सेल्स बुक में. बुक्स की हेरा फेरी. समझ में आया कि नहीं है? तो चलो एक ट्रांजेक्शन, ये एक एग्जाम्पल दिया है बेटा मैंने, ये इसका और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए. सेल्स चला जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में. सेल्स को होता है क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न बुक को होता है डेबिट बैलेंस. एग्रीड? तो बेटा जी कौन सा एरर हुआ? इंटर कैटेगरी. डू यू अप्रिशिएट? चलो अब इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं. लिखेंगे चलाए. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक रुपीज 500. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक रुपीज 500. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? अब वो तुम्हारा वो वाला लॉजिक. करेक्ट एंट्री परचेस टू राम कितना? 500. 500. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? राम टू सेल्स कितना? 500 एंड 500. हाँ पूरी क्लास का विधान. रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी बेटा? जो परचेस है वो करेक्ट है, वो तो जाना चाहिए, वो गया नहीं है, तो परचेस को डेबिट कर दू क्या? कितना? 500. जो सेल्स को गया है वो जाना नहीं चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट होना नहीं चाहिए था ना, होना क्या चाहिए था? परचेस को डेबिट. बट गलती से मेरे बुक्स में क्या हो गया? सेल्स को क्रेडिट हो गया. तो जो सही है वो दिया, जो गलत है वो रिवर्स करूंगा. सो परचेस को तो डेबिट किया क्योंकि वो हुआ नहीं था, तो डेबिट करना पड़ेगा. सेल्स को क्या करूंगा मैं? डेबिट. कितना? 500. क्या मेरी बात पहुंचती है क्या? क्यों? क्योंकि सेल्स को भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, गलती हो गई है उधर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. और राम को होना चाहिए था क्रेडिट, बट इन नलायकों ने क्या कर दिया है? डेबिट. एग्रीड? देखो वो रमेश सुरेश की एड देखी क्या? क्या किसके एड है रमेश सुरेश की? 5 स्टार. वो टेलर के पास जाते हैं, वो टेलर को बोलते हैं कि पापा की पैंट एक बिस्त छोटी कर दो. ठीक है, क्या एक बिस्त मतलब वो क्या मानते दिला एक अट्टी अपने भाषा छोटी कर दो. अगर मान लो टेलर ने उसको छोटी करने की जगह पे बड़ी कर दिया, समझ में आ रही बात है ना? मैं उल्टा कर रहा हूं. उन्होंने बोला था छोटा करो, मैंने कर दिया बड़ा. अब तुम मुझे बताओ इफेक्ट कितने का देना पड़ेगा अगर मुझे छोटा करना है? एक टाइम या दो टाइम? तो मतलब इतना कम करना पड़ेगा कि नहीं? तो बेटा सेम लॉजिक है. होना चाहिए था क्या राम को? क्रेडिट. हो गया क्या है गलती से? डेबिट.
अब राम को करेक्ट इफेक्ट देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इफेक्ट एडेड। कोई नलायक बच्चा इस क्लास में डबल द इफेक्ट नहीं बोलेगा, डबल द इफेक्ट का मीनिंग अलग होता है, ये रॉन्ग नोशन ऐड करता है। मैंने बोला ऐड बोथ द राम्स का बैलेंस, कितना जाना चाहिए था 500, कितना उल्टे तरफ चला गया 500, दोनों का ऐड कर दो कितना 1000, तो तू राम 1000। किसी को क्वेरी? ओ मुगम्बू क्वेरी कोई? ये तो सदमे में है बेचारा, गोल्डन कलर शर्ट। हाँ कोई क्वेरी? मुझे क्वेरी है, बताओ क्या चालू है, बोलना। मेरे को चंपा का फोन आया, वो कोई बात नहीं, मेरे को इसका मीनिंग बता। बदी बोलना, इसका मीनिंग बता, कौन सी ट्रांजेक्शन की अभी हमने? इंटर कैटेगरी, ठीक है। इस बच्चे को कोई बच्चा हेल्प कर सकते हैं? तुम सभी लोगों को हेल्प करनी, ठीक है। एक प्यारा प्यारा बच्चा, जो जो लोग हेल्प करेंगे आज इस बच्चे को, उसको 10-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। इस बच्चे को जो हेल्प करेगा, अरे बहुत पुण्यवान बच्चा है, प्लीज इसको हेल्प करो, तुम्हें 10-10 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? मैं आपसे पूछता हूं, इंटर कैटेगरी का मतलब क्या होता है? डेबिट क्रेडिट में जाता है और क्रेडिट डेबिट में जाता है, नलायक पुण्य का काम कर ले। अच्छा मुझे बताओ कौन सा और एक शब्द देखोगे, रिकॉर्डेड या एंटर्ड? इससे पता चलेगा बुक्स की हेराफेरी हो गई। अच्छा जाना चाहिए था परचेस बुक में, चला गया सेल्स बुक में, क्या ये इंटर कैटेगरी है क्या? ओके okay. तो परचेस की करेक्ट एंट्री क्या? परचेस टू पार्टी, परचेस टू राम बोलेंगे? हाँ बोलो एंट्री क्या? परचेस टू राम, मतलब परचेस को डेबिट होना चाहिए था, राम को क्रेडिट होना चाहिए। सेल्स में चला गया तो एंट्री क्या हो जाती है? राम टू सेल्स, मतलब राम को गलती से डेबिट हुआ, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा जो गलती हुई हो, और जो करेक्ट है वो भी देना पड़ेगा। तो राम में कितना इफेक्ट जाएगा? डबल, बोलो ना। हाँ हाँ। और ऊपर डेबिट में कितना जाएगा? डेबिट में कितना जाएगा? परचेस जो करेक्ट है वो देंगे और जो सेल्स है वो देंगे। से यस। मेरे पास इसकी भी ट्रिक है, करवा दूं, पर तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है? इंटर कैटेगरी। ओके इंटर नहीं, देखो मैं क्या बोलूंगा इसके इसके सिंपल ट्रिक देख। सुन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, सही क्या है? ए खजूर इधर सुन, सही क्या है? जो सही है वो लिख दो। परचेस अकाउंट डेबिट 500, परचेस अकाउंट डेबिट 500, जो सही है वो देना। गलत क्या हो गया? सेल्स को उल्टा लटका दो, सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, उसको उल्टा लटका दिया डेबिट, तो पार्टी राम, ऐड द इफेक्ट 1000। इतना सिंपल है। यस सुनना, इतना नहीं लोड लेने का, देखो मैं बताता हूं। परचेस नो को, तुम बहुत देर से परचेस कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा। सेल्स रिटर्न टू चंपा, आज पहली बार चंपा हेल्प करेगी, देखो उसको बदनाम नहीं करना। सेल्स रिटर्न टू चंपा रुपीज 900, हाँ या ना? रिकॉर्डेड एज परचेस रिटर्न। चंपा का फोन आया है ना, तो मुझे बताओ कौन सा शब्द है इसमें इंपॉर्टेंट, पहला शब्द कौन सा देखोगे? जे बात, एक झंडा तो गाड़ दिया, दूसरा झंडा कौन सा है? सेल्स रिटर्न, कौन सा बैलेंस होता है? अच्छा कहां चला गया, कहां पे चला गया? क्रेडिट। इंट्रा या इंटर? इंटर कैटेगरी। श्रीमंत बोलेगा कूदा क्यों सीए में? सीए में कूदने का मतलब पता है क्या कैसा होता है? ऊपर से पहाड़ से कूदने का बिना पैराशूट के, होपलेस शैप। आया था उपलते उपलते, मेरे को भी जाना है पहाड़ पर। अब बताओ अभी कौन सी कैटेगरी, इंटर या इंट्रा? इंटर। ट्रिक देखो, ट्रिक सही क्या है? सच्ची। और उसको बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। ले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 900, अरे तुलाच रे चंपा 1800। इंट्रा कैटेगरी में क्या पता है क्या? जो सही है वो दो, पार्टी नहीं आएगी, और दूसरे अकाउंट को रिवर्स कर दो। इसमें क्या है, जो सही है वो दो, दूसरे अकाउंट को भी इधर ही लो, एंड टू व्हाट?
पार्टी से हो, और एक करेंगे क्या? सेल्स टू हर्षद, हर्षद जानते हो ना तुम, हर्षद वॉज रिकॉर्डेड एज परचेसेस रुपीज 200. मुझे बताओ, मुझे मुझे वापिस से बताओ, रिकॉर्डेड जे बात काला टीका लगा लियो आज. सेल्स कौन सा बैलेंस किधर गए लाए रे, कौन सा बैलेंस काय वाटत इंटर कैटेगरी की इंट्रा इंटर. जब डेबिट क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट डेबिट में जाता है तो उसको बोलते हैं इंटर कैटेगरी. मैं पूछू क्या कुछ बातें, सही क्या है? अहो बगा की मकटू सेल्स क्रेडिट होते दोनशे, उसके साथ किसको टू परचेसेस 200 हो नहीं. हर्षद बाबू कितना 400. अगर यही है ना स्टोरी चेंज कर दी मैंने, इधर आगे डिस्काउंट कर दिया परचेस रिटर्न बुक. ओ क्या बन गया था इंट्रा. सेल्स को कौन सा बैलेंस, परचेस रिटर्न को, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सही क्या है? सेल टू सेल्स कितनी रही है 200, और रॉन्ग क्या है? परचेस रिटर्न डेबिट कितना 200. समझ में आया क्या? ये रेक्टिफिकेशन हुआ इंट्रा का, ये हुआ इंटर का. ये ट्रिक है, कर पाएंगे आप? तो क्या अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर अब आप लेंगे, आइए आपका बशीगे 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 चला मैडम लवकर या, खूप येळ झाली आहे जायचं आहे आपल्याला घरी. तुम्हें मालूम क्या लिखा है इधर, मालूम है तुम्हें? वेरी गुड वेरी गुड. और नागमोड़ रोड ले थोड़ा सा, थोड़े दिन में तो दिखने लगी जाएगी. गुड सोल्ड टू निशा, निशा को जानते हो तुम? तुमने तो माल बेचा था. गुड सोल्ड टू निशा फॉर रुपीज 2000 वर एंटर्ड इन परचेज बुक और सेल्स रिटर्न बुक. कैंसिल कर दो यार, एक बुक का करेंगे अपन अभी हैंडल, और सेल्स रिटर्न हल्के हाथों से कैंसिल कर दो, एक ही करेंगे एरर, दोनों उसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं. अच्छा मेरे को मालूम नहीं है कौन सा पहला कीवर्ड है, जुग जुग जियो. अच्छा क्या किया था सेल, कौन सा बैलेंस है उसको लिखोगे नहीं क्या फिर? क्रेडिट बैलेंस है नलायको, लिखो फिर क्रेडिट. हाँ हाँ चिल्लाओ मत, आ रहा हूं मैं भी. और दूसरा कौन सा है, कौन सा बैलेंस है उसको? अच्छा तो तुम्हें दिख रहा है क्या कौन सी कैटेगरी हुई है? इंटर. एग्रीड. सही क्या है? तो मैं बोला टू सेल्स, परचेस को भी क्रेडिट कर दूं क्या? टू परचेस, और किसको? निशा. कितना निशा को? 4000. परचेस को कितना? 2000. ऐसा कौन करता है यार. भाड़ में जा. समझ में आ गया क्या? अच्छा ये दूसरा वाला भी तो पूछ रहे हैं, सेल्स रिटर्न में चला जाता तो क्या होता, सोचिए बताओ एंट्री क्या होती सेल्स रिटर्न में चला जाता तो. परचेस की जगह पे छोरा बोल रहा है सेल्स रिटर्न आ जाता, बराबर बोल रहा है क्या? अरे हाँ नहीं. एंट्री क्या होती? निशा टू सेल्स रिटर्न टू सेल्स से यस. हाँ नहीं, लेवेंडर कलर के बाजू में. हाँ तुम्हारे को चश्मा है क्या तुम्हारे बाजू में? हाँ चश्मा है ना आपको? हाँ, क्यों मुझे तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है और फिर ध्यान नहीं लग रहा है. चश्मा कहाँ है आपका? घर पे भूल गया है. अरे मतलब क्या, मतलब घर से निकल तो दिखा नहीं था कि मेरे को दिख नहीं रहा है बोलकर क्या कुछ भी. ठीक है भाई, कान खुले रख, अभी सुन मेरी बात. गुड्स परचेज फ्रॉम रूपा, कौन सा कीवर्ड है?
अबे आने तो दो, परचेस्ड है, तो पिछले बैच के बच्चे नालायक, रूपा होपलेस, गुड्स परचेस फ्रॉम रूपा एंड कंपनी फॉर रुपीज 3000 वर एंटर्ड इन सेल्स बुक, और परचेस रिटर्न बाद में करेंगे, से यस, पहले सेल्स का देख लो, ए बाबिया बाबिया बाबिया, परचेस को कौन सा बैलेंस रहे और सेल्स को कौन सा, डेबिट क्रेडिट में गया क्या, कौन सी कैटेगरी, इंटर, कौन सी कैटेगरी, इंटर, सही क्या है, ओ परचेस अकाउंट डेबिट, वेरी गुड बेटा, सीख जाएगा तू भी, मैं ये सेकेंडरी इनकम कमाता हूँ, अभी शाम को जाके वही काम करूंगा, परचेस अकाउंट डेबिट 3000, सेकेंड बताओ क्या करोगे, क्या बोल रहे हो, सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 और तूच तूच रूपा 6000, हैप्पी झंपुड़िया, ये क्वेश्चन पूछ लो क्या, हाँ सर क्वेश्चन पूछो एक प्लीज इफ यू डोंट माइंड, अगर मान लो सेल्स की जगह पे परचेस रिटर्न होता तो परचेस को तो फिर भी डेबिट बैलेंस ही था ना, और परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस था ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी, परचेस, आवाज नहीं आ रही यार, परचेस अकाउंट तो सुनाई दिया, परचेस रिटर्न 3000 टू व्हाट रूपा 6000, से यस, तुमको एक बात बोलूं क्या, ये जो है ना रूटेड और एंटर्ड दोनों का मीनिंग सेम है, और दोनों घरी होमवर्क करायला पाहिजे तुम्ही, ठीक है, इसमें से ये वाली लाइन काट दो बेटा, परचेस रिटर्न, क्यों तुमको समझ में आ गया ना, करना है तो कर देना बट साइड में करना, फिर पहले पहला वाला करना, हाँ अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, संतोष तू भी सुन बेटा ध्यान से, संतोष खड़ा हो जा, संतोष नलायक खड़ा हो जा, बहुत देर से है ना WWF देख रहा है, क्या करेगा वो बेल्ट लेकर, पहनता तो है नहीं तू, प्लीज साहब WWF में बेल्ट मिलता है ना, कोई पहनता तो है नहीं, नलायक दिन भर WWF देखते रहता मोबाइल पर, संतोष मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मान ले तेरे पास 10,000 रुपए, सब नलायक को ध्यान से सुन लो, अगर संतोष आंसर दे पा रहा है और अगर तुम नहीं दे पाए ना तो मार मार के मुर्गी बना दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हें पूछता हूँ, संतोष तुम्हारे पास 10,000 रुपए, ठीक है, तुम्हारा खर्चा है रूम का 3000 रुपए, तो तुम्हारे पास कितने बचे, 7000, ये क्वेश्चन नहीं है अब इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो कोई भी बता सकता, संतोष मैं आपसे बताऊं, आपका 3000 रुपए खर्चा है क्या, 3000 रुपए रेंट का खर्चा है ना तुम्हारा, 3000 रुपए रेंट का खर्चा है, तो रेंट किया 3000 का खर्चा, तो संतोष के पास कितना रहता है प्रॉफिट, बचा हुआ 7000, कॉमन सेंस उसकी भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसके पास प्रॉफिट रहता है 7000, वापिस से संतोष के पास कितने रुपए, 10000, 10000 में खर्चा कितना 3000, तो रह गए कितने 7000, 7000 उसका प्रॉफिट उसके पास बचा, अच्छा संतोष फर्ज करो कि तुम्हारा खर्चा 3000 नहीं 2500 ही हो रहा है, नहीं तुम्हारा खर्चा 3000 नहीं है 2500 है, 2500 नहीं 2000 ही है, रेंट 2000 ही है, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने थे 10000, खर्चा कितना हो गया 2000, कितना बच गया 8000, मतलब ये समझे क्या, खर्चा कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, हाँ या ना, नलायको शर्म करना अगर ये बात पता नहीं चली तो तुमको, संतोष भी जानता है बात, आर्ट्स बैकग्राउंड का आदमी जानता है, खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ नहीं अम्मा, खर्च मैं इमिटेट कर रहा हूँ इसको, कैसे करती है मुझे मुझे एक बात बताओ, खर्चा कम हुआ रसगुल्ले, खर्चा कम हुआ प्रॉफिट बढ़ेगा, पक्का, अच्छा दूसरा, संतोष तेरे पास 10000 रुपए है, एग्रीड, और अगर मान लो तुम्हारा 1000 से इनकम बढ़ गया तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, हाँ, तो अगर 10000 की जगह पे और 1000 आ गया तो क्या करोगे, प्रॉफिट बढ़ेगा ना, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, सभी के पेन डाउन्स, एवरीवन पेन्स डाउन्स, यू सीज हियर व्हाट आई एम टॉकिंग, प्लीज चेक्स, दिस इज वेरी बैड इंग्लिश, सर नलायक ऐसे कमी नहीं थे ना, वो अंग्रेज आकर गए भारत में, अपनी बैंड बजा के चले गए, नहीं तो मैं मराठी का इसी भारी बोलता रे, क्या बताऊं तेरे को नहीं अब नहीं बोल सकता, क्या है चल,
अरे रेड्या चलता. बेटा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रेक्टिफिकेशन के वजह से, इस रेक्टिफिकेशन के वजह से प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आया. आपके दिमाग तक मेरा क्वेश्चन पहुंचा क्या? रेक्टिफिकेशन करने के बाद, रेक्टिफिकेशन करने के बाद आपके प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आया? मेरा क्वेश्चन आपके दिमाग तक पहुंचा? जब रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो आपके प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन. तो मान लो मैंने एंट्री की परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रूपा, एक एग्जांपल 7,000, 7,000 और 14,000. ठीक है क्या? मैं तुम्हें दो मिनट में इसका इंपैक्ट बता सकता हूं कि प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आया. बताऊं कैसे? मुझे बताओ परचेस अकाउंट किधर जाता है? हाँ बराबर है. परचेस अकाउंट फाइनल अकाउंट में किधर जाता है? अरे मुंह खोलो, ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स अकाउंट भी कहां जाता है? इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या? अगर ट्रेडिंग का कोई भी आइटम, ट्रेडिंग का कोई भी आइटम, करते का मैं क्या बोलते हो, ट्रेडिंग का कोई भी आइटम, इनकम एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट का कोई भी आइटम, इनकम और एक्सपेंस अगर डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ. मैं ट्रिक बता सकता हूं, रीजन बताओ. परचेस डेबिट हुआ मतलब खर्चा बढ़ा, सेल्स डेबिट हुआ मतलब सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, वो मेरी इनकम होती है, वो कम हो गई. और तुमने देखा था, संतोष को भी पता है, इनकम कम हुई तो मेरा बचा हुआ प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट? खर्चा बढ़ गया तो भी मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा. अगर तुम रेक्टिफिकेशन एंट्री में परचेस को डेबिट मार रहे हो मतलब खर्चा बढ़ा रहे हो, अगर तुम सेल्स को क्रेडिट सॉरी डेबिट कर रहे हो तो तुम तुम्हारी इनकम कम कर रहे हो, हाँ नहीं? एंड टू और टू रूपा आपने किया. तो बेटा जरा ध्यान से सुनो, अगर आपको आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट का कोई भी आइटम दिख जाए, जैसे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट के आइटम के बारे में बताओ मुझे. परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, कुछ कुछ कुछ. अगर इनमें से कोई भी आइटम्स जो आप ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट में पाए जाते हैं वो अगर डेबिट हो गए तो बेटा तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया. कैन यू ट्रस्ट मी ऑन दिस? क्योंकि बेटा जी परचेस बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तेरा खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तेरा सेल्स कम हो गया तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा. और इस एंट्री का मीनिंग समझ, वो कुछ भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है. क्या भाषा है? परचेस को डेबिट हो रहा है मतलब परचेस बढ़ा रहे हो ना तुम, तो प्रॉफिट कम हुआ. सेल्स को क्या कर रहे हो तुम? डेबिट कर रहे हो मतलब सेल्स को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो. क्योंकि सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. और उसको डेबिट कर रहे हो मतलब तुम क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो. तो बेटा जी आपको समझ में आया कि नहीं आया? ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट का कोई भी आइटम अगर डेबिट हुआ, कोई भी आइटम अगर डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ. ये नहीं देखना है कि वो इनकम है कि एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होगा तो भी प्रॉफिट कम ही होगा, और अगर इनकम डेबिट हो जाएगी तो भी वो कम ही हो रही है ना, तो भी प्रॉफिट कम ही होगा. से यस और नो? तो मेरे बच्चे एक ज्ञानी स्टेटमेंट बताएंगे, क्या ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट के कोई भी आइटम को डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ? से यस. सो बेटा पी एंड एल अकाउंट पर इंपैक्ट क्या है? रिड्यूस्ड बाय रुपीज 7,000 आफ्टर रेक्टिफिकेशन. से यस. ए झंपुड़िया, आफ्टर रेक्टिफिकेशन 7,000 से कम हुआ मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन पूछा तो 7,000 से बढ़ गया? नहीं, सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक है. मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट कम हो गया 7,000 से, तो झंडू बाम रेक्टिफिकेशन मतलब जो पहले गलत हुआ उसको रेक्टिफाई कर रहा है ना, मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ होगा? 7,000 से बढ़ गया. जब एग्जाम में नलायक को क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एक बार आंखें फाड़ कर देख लोगे क्या पूछ रहा है. बिफोर रेक्टिफिकेशन पूछ रहा है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, और आंसर आपको हमेशा पहले आफ्टर रेक्टिफिकेशन का मिलेगा और उसके बेसिस पर आपको समझना होगा बिफोर रेक्टिफिकेशन का आंसर क्या है. जैसे आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट कम हो रहा है तो बिफोर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बढ़ गया. से यस. तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं पी एंड एल अकाउंट
ये रिड्यूस था, अब मैं क्या बोलूंगा, इंक्रीज्ड बाय आफ्टर या बिफोर, बिफोर रेक्टिफिकेशन। कितना प्यारा बच्चा है, लिख कर ले लो ये। तुमको मैंने ये क्या चीज समझा दी, पी एंड एल अकाउंट पर इंपैक्ट, रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट पी एंड एल अकाउंट पर, रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट पी एंड एल अकाउंट पर। वो जाएगी नहीं क्या चोरी, हाँ कितने बजे है तेरी, फिर मेरे को मत चिल्लाइयो अगर आ गई तो। पहले नला काला बाबा पकड़ के लेके जाए, चुप। बेटा इस बार शायद एग्जामिनेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कुछ चेंज किया है, एग्जाम फॉर्म्स, तो उसको रजिस्ट्रेशन कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि नीचे क्या कर रहा था तेरे बाजू वाला, फिर ठीक है हाँ मेरा नीचे कुछ खजाना है क्या बहुत गौर से देख रहा था, हाँ बात कहाँ तक पहुँची थी। इस बार एग्जाम फॉर्म में कुछ इश्यूज आ रहे बच्चों को, तो जल्द से जल्द भरकर खत्म कर देना, समझ में आ रहा है क्या, लेट तक रुकना मत, पहले ही भरकर खत्म कर देना, ठीक है। हो तेज बनतो है, तुमसे पण भराइज है ना। चलो आ जाओ क्या आगे, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। मैंने आज कौन सी दो चीजें बताई सच्ची, तुझे पता है, एक है इंटर कैटेगरी और दूसरा इंट्रा कैटेगरी। अच्छा मैं पूछूं आपको, इंटर कैटेगरी को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, जो सही है वो करो, दूसरे वाले के उसके साथ ले लो और पार्टी को डबल इफेक्ट दे दो या ऐड कर दो, से यस। और दूसरा वाला कौन सा था, इंट्रा कैटेगरी, जो सही है वो दे दो और दूसरा वाला रिवर्स कर दो, उसमें पार्टी नहीं आती। आकाश फिर मैंने आपको बताया, अगर ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट का कोई भी आइटम, बोलो बोलो बोलो, ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट का कोई भी आइटम डेबिट होता है तो प्रॉफिट कम होता है, बिफोर या आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर रेक्टिफिकेशन। अगर पी एंड एल या ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी आइटम डेबिट होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है या बढ़ता है, कम होता है। डेबिट किया है तो प्रॉफिट कम हुआ, क्रेडिट हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, क्लियर है क्या। ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन की स्टोरी है, बिफोर रेक्टिफिकेशन आंसर क्या बोलोगे उसका उल्टा, क्या क्लियर हुआ क्या। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लो एंट्री है राजेश 3000, टू सेल्स 1500, टू परचेसेस 1500, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, मुझे एक बात नहीं बताओगे, प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ। अरे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, कितने से बढ़ गया, 3000, क्योंकि देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट के यही आइटम है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम को अगर क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से 3000, हाँ नहीं प्रॉफिट बढ़ेगा ना बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कब, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 3000 कब, आफ्टर रेक्टिफिकेशन। और क्या बोलोगे, प्रॉफिट डिक्रीज बाय 3000 बिफोर रेक्टिफिकेशन। अरे समझ में आ रही क्या बात बेटा, जो आप 11th 12th में करते थे उसमें ऐसी कोई चर्चा विषय नहीं होता था, अब ये सब कार्यक्रम करने पड़ते, ये सी है, यहां पर कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री आ रही तो उसका इंपैक्ट क्या जा रहा है पी एंड एल अकाउंट पर, राइट। पूछ रहे भाई सोनेरी शर्ट, मेरे को पूछ, मेरे को आता है सच्ची आई शपथ, मला येत आहे, मला विचार, नाहीतर मग मी विचारणार। 1500 से 3000 से, ठीक है हाँ, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिसन टू मी नाउ, कैन यू टेक टोटल, वेरी गुड। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में,
अच्छा, परचेसेस कहाँ जाता है? तो ये दोनों आदमी कहाँ जाके बैठते हैं? ट्रेडिंग में। सेल्स को क्रेडिट हुआ या परचेस को क्रेडिट हुआ फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट का कोई भी आइटम रहेंगे वो डेबिट साइड का रहना सकता है या क्रेडिट साइड का। परचेस हो सकता है, सेल्स हो सकता है, परचेस रिटर्न हो सकता है, सेल्स रिटर्न हो सकता है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आइटम क्रेडिट हो रहा है ना ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट का, तो उतनी अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब कितना क्रेडिट हो रहा है? 1500 का सेल्स हो रहा है और परचेसेस का 1500, तो दोनों कितने हो गए? 3000। सो 3000 का आइटम क्रेडिट हो रहा है ना, सो प्रॉफिट विल इंक्रीज आफ्टर रेक्टिफिकेशन बाय 3000, क्योंकि 3000 क्रेडिट हो रहा है ना। सो बिफोर रेक्टिफिकेशन कितने से कम होगा? 3000। हाँ बोलो, क्या क्या क्या? आई एम सो सॉरी नहीं, दैट इज माई मिस्टेक, आई हैव कॉट माई ईयर्स, वी हैव आइडेंटिफाइड, मेरी गलती हो गई, ये एक्चुअली 14000 है, सॉरी यार, गलती हो गई ना अभी, आई कैन राइट एन अपोलॉजी लेटर एज वेल, आई मीन आई एम सॉरी, आई मीन इट मैम, अरे 14000 है यार, थैंक यू। अच्छा तू इसलिए टेंशन में था, तो गजेरे वो होशियार है ज़्यादा, खरबूजे तुम तो एक्सेप्ट कर चुके थे, थम्स अप, सोनेरी पाना, अच्छा वो पूछ लिया मुझे, समझ में आ गई बात है ना? मुझे नहीं समझा अभी, मुझे बताओ अभी, मैं कब से ऐसा बोर नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है मुझे, बोर नहीं होता मुझे, पढ़ाना सबसे मज़ा आता है, अभी तक तो बोर नहीं हुआ, जल्दी से बताओ क्या है, हाँ देखते रहो मेरे पास, रसगुल्ले बोल जल्दी से, पी एंड एल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी आइटम डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम होगा बिफोर या आफ्टर रेक्टिफिकेशन? बिफोर रहा तो क्या होगा? इंक्रीज। सिंपल ट्रिक है, तो मैं आपसे एक पूछूं, मैंने बोला परचेस अकाउंट डेबिट 3000, सेल्स अकाउंट डेबिट 3000, टू पार्टी अकाउंट 6000, तो बताओ मुझे क्या हुआ? 6000 से आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो बिफोर रेक्टिफिकेशन कितने से बढ़ गया? 6000। बेटा अमाउंट मैंने गलती से पहली बार में एक ही ले ली थी, वो एक्चुअली दोनों अमाउंट जितने भी ट्रेडिंग या पी एंड एल के आइटम होंगे वो सभी लेने पड़ेंगे। से यस, यस, कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल नाउ? अब वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम भारी है, हैं? मत देखो ऐसे मेरे पास कि जैसे मैंने तुम्हारी किडनी मांग ली हो, ऐसे नहीं करते तुमको मैं क्या बताऊंगा, पता है? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। तुम्हें पता है तुम्हारा फेवरेट पास टाइम क्या होता है? फैकल्टी को टॉर्चर करने का। तुम्हें पता फैकल्टी का फेवरेट पास टाइम क्या होता है? बच्चों को टॉर्चर करने का। कब? जब अभी, जब लास्ट के 15 मिनट बचते हैं तब बहुत मजा आती है मेरे को, और मैं इसका पूरा पूरा मजा लूंगा। जब ऐसा होता है ना कि 15 मिनट, अभी क्यों लास्ट का नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो सर? पर सिखाऊंगा मैं, पर मैं सिखाऊंगा, वही मैं बता रहा हूं, कोई जाने नहीं दूंगा। सुनते हो? अच्छा ए बाबू, तुझे पता है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? अच्छा आंसर नहीं बोला, पिछले बैच का बच्चा नला कैसे? हाथ से। चलो बताओ कौन सा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? किसे किसे? हाँ, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के बाद क्या बन जाता है? ट्रायल बैलेंस। अरे बनता है कि नहीं बनता है? हाँ। चलो एक एंट्री करते हैं, बताओ क्या एंट्री तुम्हारे मन में, कौन सी एंट्री बताओ? अरे बता दे कोई भी एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, मैंने बोला क्या ये? नहीं, टू राम अकाउंट, ठीक है, मैंने लिख दिया 10000, मैंने लिख दिया 10000, बराबर है। फिर इसका लेजर देखो, ये लेजर बना परचेसेस, और फिर ये देखो ये बना लेजर राम, हाँ नहीं, परचेस के डेबिट साइड में टू राम 10000, और राम के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस 10000, एग्रीड? हाँ। फिर इधर मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10000, और मैं इधर लिखूंगा टू। हेलो चंपा, हाँ क्या कर रही है रे, कितने दिन हो गए, ठीक है आज मिलते, ओके, हाँ कोई बात नहीं, नहीं नहीं यार थोड़ा अकाउंटिंग कर रहा हूँ, वो क्या ऑफिस में बहुत अकाउंटिंग पेंडिंग है ना, इसलिए करना पड़ता है, तेरे जैसे थोड़ी ना चंपा, तेरा क्या है मजे, हमको काम करना पड़ता है, ठीक है चल बाय।
कुछ हुआ लोचा? क्या लोचा हुआ? अबे ध्यान था क्या तुम्हारे? नलायक ने तो चंपा के पास ध्यान था, होपलेस गधेड़े, एरर हुआ है, एरर। चलो बताओ पहले एरर क्या हुआ। परचेस को गया 10,000 और राम को गया 1,000, समझे कि नहीं? तब एक उल्टी गंगा बहती है। उल्टी गंगा समझते हो? जनरली नहीं, मैं समझा रहा हूं मैडम, तुम टेंशन न को लो। जनरली लेजर से ट्रायल बैलेंस में आइटम उतरते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस ऐसे सिखाया ना, बट जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो आर्टिफिशियली उसको टेम्पररीली टैली करने के लिए, देखो अभी मेरे को घर जाने का है, लास्ट के 15 मिनट बचे हैं और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो तुम क्या बोलते हो? जिंदगी इसलिए मिली है कि इधर ही बैठा बैठा सड़ जाऊं? नहीं, अकाउंटेंट क्या करता है ध्यान से सुन, जब लास्ट के 15 मिनट रहते हैं और टैली नहीं होता है तब हम लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट, कितना? 9,000। इससे फायदा ये होता है कि जब मैं कल आऊंगा, अभी तुम्हारे सामने दो आइटम है तो तुम बोल रहे हो क्या सस्पेंस अकाउंट लिखने की जरूरत है, जब हजारों अकाउंट रहेंगे तब कितना डिफरेंस है निकाल कर, रात को निकाला होगा और टैली नहीं हो रहा है तो हम वो डिफरेंस लिख के चले जाएंगे और क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट, और ये टैली कर दूंगा मैं 10,000। बेटा जी इस केस में ये अकाउंट लेजर में था ही नहीं, ट्रायल बैलेंस में। तुमने ही तो सीखा था कि ट्रायल बैलेंस में आइटम कहां से आते हैं? लेजर से, बट ये आइटम तो लेजर में था ही नहीं, तो ये उल्टी गंगा बहती है और यहां से ऊपर जाके लेजर में तुम एक अकाउंट खोलते हो उसका, जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। सिर्फ एक नलायक चंपा की वजह से अकाउंट खुला है सस्पेंस अकाउंट, और उसको कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, दिख रहा है कि नहीं? झंडुबाम तुम्हें काय ली तो बाय बाय बाय, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी? 9,000। कलते काय सस्पेंस अकाउंट का बात है समझ में? कॉब when debit is not equal to credit, then to temporarily tally the trial balance, a suspense account is opened. When I use the word suspense account is opened, that means ledger account mein uska T shape ka ek account bhi open hota hai. To tumko ye procedure samajh mein hai suspense account kaise open hota hai? Mujhe nahi samajh aaya, bolo nahi to main chhod nahi raha hu. अरे श्रीमंत बोलना क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? पेट में गड़बड़, फिर बोलना क्या हो रहा है? तू भी श्रीमंत है? अरे श्रीमंत एक ही है रे भाई, ऐसा मत कर, वो श्रीमंत उधर पीछे है। हाँ चलो मैं बता देता हूँ, श्रीमंत ऐसा मेरे को दम दे रहा है अभी। हाँ, व्हेन डेबिट इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू क्रेडिट, देन यू ओपन टेम्पररीली अ सस्पेंस अकाउंट टू टैली इट, एग्रीड और नॉट? तो होता क्या है कि लेजर से ट्रायल बैलेंस में एंट्री मारते हैं आइटम्स, बट ये वाला आइटम ट्रायल बैलेंस से एंट्री मारता है लेजर में। क्या कॉमन सेंस प्रज्वलित है आपका? अच्छा सुनिए, कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है सस्पेंस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? कोई भी हो सकता है, क्योंकि कौन सी साइड कम ज्यादा होगी, चंपा कब डिस्टर्ब करेगी किसी को नहीं पता। समझ में आ रही क्या बात है? सो सस्पेंस अकाउंट को कोई भी बैलेंस हो सकता है। फिर कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, मतलब एग्जामिनर ये भी पूछता है सस्पेंस अकाउंट कौन सा है, असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, कुछ नहीं बता सकते क्योंकि किसके वजह से एरर हो रहा है हमें नहीं पता। से यस, सो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। सस्पेंस अकाउंट कैन बी असेट, इट कैन बी लाइबिलिटी, इट कैन बी इनकम, इट कैन बी एक्सपेंस, इट कैन बी कैपिटल, एनीथिंग। और सस्पेंस अकाउंट कैन बी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, एनी ऑफ देम, इज दैट ओके? नाउ सस्पेंस अकाउंट कैसे आता समझ में आ गया? अच्छा ये कौन सी बुक है पता है तुम्हें? मैडम ये परचेस बुक है, पासबुक नहीं है नलायको, कौन सी बुक है? परचेस बुक। इसमें है ए 200, बी 300, सी 400, सिर्फ तुम्हारे लिए तीन नाम लिख रहा हूँ, नहीं तो और लिख देता, 2, 3, 5, 5, 4, 900, ये सही होना चाहिए था। ओके, और इधर ए अकाउंट होता, ए अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस 200, बी बाय परचेसेस 300, और सी बाय परचेसेस 400, और इधर एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है परचेसेस, और इधर आता था टू सन्ड्री पार्टीज 900। ये सब कुछ सही चलता? अगर ये सही चलता तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता? हो जाता।
बट तुम्हें पता है तभी, हाँ चंपा का कॉलम इधर है बाजू वाला, ठीक है। हेलो कितने दिन बाद चंपा, ऐसे नहीं करते, हाँ ठीक है ओके आता हूँ मैं, ओके चल बाय, लेट हो रहा है मुझे, रखता हूँ मैं, बाय। क्या लोचा हो गया, परचेस बुक के टोटल में झोल कर दिया क्या? तो तुम बोलोगे सर टोटल में झोल हुआ तो एबीसी में पोस्टिंग में कोई एरर होगा क्या? नहीं, ये पोस्टिंग जब ट्रांजैक्शन हुई थी तभी रिकॉर्ड हो गई थी। हाँ नहीं, अरे ये नीचे आएगा ना, हाँ अरे हो नहीं मेरे भाई, ये इमीडिएटली। और जो टोटल ली जाती है उसका पोस्टिंग कहाँ होता है? सिर्फ परचेस अकाउंट में, बोलो ना। हाँ इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर। इसको कौन सा एरर बोलता है? कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स टू टेक टोटल। अब जरा तुमको बताता हूं इसकी वजह से क्या लोचा हो गया, ठीक है। ए को क्रेडिट बैलेंस 200 दिख रहा है ना, 200 क्रेडिट बैलेंस। बी को क्रेडिट बैलेंस 300 दिख रहा है ना। सी को क्रेडिट बैलेंस 400 डेबिट बैलेंस 1900 दिख रहा है क्या? परचेस को डेबिट बैलेंस कितना? 1900 मैं लिख रहा हूं, ये दिख रहा है ना इधर। मैं आपसे पूछू क्या, अगर ए हाँ हाँ मत कर रहे भाई, इधर बता, ये 900 है क्या? ये 1900 है। अब इसको टैली करना है तो मुझे एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सस्पेंस, तो ये इधर आएगा। सस्पेंस कितना? 1000। ये कहां से आया पता चला क्या? टेम्परली ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम क्या ओपन करते हैं? सस्पेंस। अब झंपुड़िया इसको रेक्टिफाई करना है तो कैसा करेंगे? परचेस में ज्यादा जाके बैठा है कि नहीं बैठा है? अभी ज्यादा क्या है ना, 1900। तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। रिवर्स करेंगे तो कैसा? परचेस को कौन सा बैलेंस? रिवर्स करेंगे तो 2 purchases, ये कितना? 1000। और किसको डेबिट करेंगे? सस्पेंस कितना? 1000। सस्पेंस को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है क्या इधर ट्रायल बैलेंस में? अरे डेबिट कर दूंगा तो सस्पेंस 0। और परचेस को डेबिट था क्या? 1900। इसको क्रेडिट कर दूंगा 1000 से, सो कितने का रह जाएगा? 900। करता है। अब मुझे बताओ एग्जाम में इतना पूरा कार्यक्रम करना है या ट्रिक दूं? हैं, और 2 मिनट में ट्रिक आती है, अभी देखा, सुनता है ना तू? तुमको किसने बोला अरे सीए करने को? जिसने भी बोला होगा उसको जाके पकड़ो। चंपा को 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तुम्हारे हाथ नहीं आएगी बेटा। चलो सुन रहे भाई, ये कोई क्लास में चंपा नहीं है ना भैया, मैं ऐसे टाइम पास करते रहता। चंपा सुना भी, सुन लो प्लीज, मैं आपको कास्टिंग एरर सिखा रहा हूं और एकदम इजी ट्रिक के साथ मैं करा सकता हूं। जैसे एक इंटर कैटेगरी सिखाया मैंने आज, इंट्रा कैटेगरी सिखाया, तो जिन बच्चों को लॉजिक मैंने कहा थोड़ा फास्ट लगा उसकी टेंशन न लो, उसकी टेंशन न लो, लॉजिक मैंने बता दिया वो पता चल गया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे टैकल करना मेरे पास ट्रिक्स है। तो इंटर कैटेगरी मैंने बता दिया, इंट्रा कैटेगरी बता दिया, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है और मैं आंसर क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लूंगा। अब मैं बता रहा हूं कास्टिंग। तुमको ये तो पता होगा परचेस को कौन सा बैलेंस, सेल्स को कौन सा बैलेंस, कुछ समझ में नहीं आता क्या? क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को और परचेस रिटर्न को। अच्छा एक बात पूछू क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, मतलब रिसीट बढ़ा बैलेंस बढ़ा, रिसीट कम हुआ बैलेंस कम हुआ। पी पेमेंट साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, पेमेंट साइड बढ़ी बैलेंस कम होगा, पेमेंट साइड कम हुआ बैलेंस बढ़ेगा। कैशबुक आज नको, कैशबुक हम कर लेंगे आज। ये 4 books के बारे में बात बताता हूं, डेबिट है अगर अंडर कास्टिंग हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी चाय बनाई है अपनी जिंदगी में? जिंदगी में बनाई है, ओके गुड। मुझे एक बात बताओ, चाय में शक्कर कम हो गई तो क्या करोगे? कॉमन सेंस। परचेस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? शक्कर को कौन सा बैलेंस है? बशीगण गाओ पर फिर, शक्कर को कौन सा बैलेंस है? मीठा। अगर मीठा कम हो गया तो और मीठा डालेंगे ना, वैसे ही परचेस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। अब अलग अलग चीज को अलग अलग बैलेंस बोलते हैं, परचेस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट।
तो अगर डेबिट कम चला गया, अंडरकास्टिंग हो गई, तो उसको और बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो अंडरकास्टिंग में मतलब टोटल कम हो गई, अंडरकास्टिंग में मतलब टोटल कम हो गई, उसको वही बैलेंस दे देने का। बोम बल्ला, मुझे बताओ अंडरकास्टिंग मतलब टोटल ज्यादा हो गई कि कम हो गई? कम। परचेस को कौन सा बैलेंस? अगर टोटल कम हो गई तो अंडरकास्टिंग बोलते हैं, और अगर परचेस को डेबिट बैलेंस है, मतलब टोटल कम हो गई मतलब परचेस को डेबिट कम गया है, अब क्या करूं? तो अंडरकास्टिंग हुआ ना, हाँ, तो एंट्री होती है परचेस टू सस्पेंस, हैप्पी। अरे पांड्या, अगर ओवरकास्टिंग हुआ तो सच्ची सस्पेंस टू परचेसेस। अच्छा पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें परचेस को क्या हुआ था, अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग? ओवरकास्टिंग। अबे हाँ नहीं चंपा का 1900 हो गया था, मेरे को पूरा क्वेश्चन याद है यार। ओवरकास्टिंग हुआ था कि नहीं? हाँ गांव वालों ध्यान दो जरा, इधर ध्यान दो, इधर सस्पेंस को क्या हुआ? डेबिट। इसका मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहा हूं ना खजूर। सस्पेंस को मैं क्या कर रहा हूं अभी? डेबिट रेक्टिफिकेशन एंट्री में। मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ होगा सस्पेंस को? क्रेडिट। हाँ नहीं, भरोसा नहीं है तो देख लो, सस्पेंस को क्रेडिट बैलेंस था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं सस्पेंस को बिफोर रेक्टिफिकेशन कौन सा बैलेंस था। हमेशा पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, और सस्पेंस अकाउंट को क्या आया? अगर मान लो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट हुआ, इसका मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन उसको क्रेडिट बैलेंस था। मतलब उल्टा बोलने का, बिफोर रेक्टिफिकेशन से यस। नहीं मुझे नहीं समझा, रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट बैलेंस? बिफोर रेक्टिफिकेशन क्रेडिट बैलेंस खजूर। अच्छा बताओ रेक्टिफिकेशन में क्या था सस्पेंस को? परचेस को क्या, सस्पेंस को क्या था? डेबिट बैलेंस। तो बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या है? सच्ची? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए झंपुड़िया एक एंट्री बताना, मैं एक क्लास पूछता हूँ। परचेस रिटर्न बुक अंडरकास्ट 700 रुपीज से, उधर नहीं देखते क्या हुआ है, अंडरकास्ट हुआ कि ओवरकास्ट? परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? तो क्या करेंगे? सस्पेंस टू परचेस रिटर्न, कि परचेस रिटर्न को कम बैलेंस गया तो क्या कर देंगे? परचेस रिटर्न को क्रेडिट, तो क्या बोलेंगे? टू 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 परचेस रिटर्न, डेबिट काय 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 सस्पेंस अकाउंट से यस। तो इसकी एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेस रिटर्न। ओके तुम्हारी इंडिपेंडेंस तुम्हारे हाथ में है, अगला आंसर राइट दिया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो और 10 एंट्रीज कराऊंगा, और 10 एंट्रीज। तुम्हारी इंडिपेंडेंस तुम्हारे हाथ में है, सब मिटा दिया जाए। ए पांडे देख, सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपीज 900, तुला येते क्या? येते तुला? हाँ बोलो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स रिटर्न। ऐसा क्यों रे? ओवरकास्ट हुआ वो ठीक है, इसको कौन सा? ए नलक बैग नीचे, बैग नीचे। सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? गांव वालों पूरी क्लास बताएगी। डेबिट। ओवरकास्ट हुआ मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा चला गया ना, तो उसको उल्टा मारेंगे, क्या करेंगे? टू सेल्स रिटर्न। डेबिट का चला सस्पेंस, क्योंकि शब्द क्या है? ओवरकास्ट, इंपैक्ट एक ही गया था, तो उसका सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा? 900। ए बाड़िया, इसका पीएनएल अकाउंट पर कोई इंपैक्ट आता है क्या? बशीगण गांव भरना चाहते, फिर पीएनएल अकाउंट पर कोई इंपैक्ट आता है क्या? क्या सेल्स रिटर्न क्रेडिट हुआ मतलब क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है। बढ़ गया होगा कब? आफ्टर रेक्टिफिकेशन बिफोर? आफ्टर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का कोई भी आइटम क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन कम था। एग्रीड। तो प्रॉफिट का क्वेश्चन आया तो देखने का ट्रेडिंग पीएनएल का कौन सा आइटम है, क्रेडिट हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ गया, डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, पक्का। दूसरा, रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस को क्या हुआ है? रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस को क्या हुआ है? डेबिट। मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस को कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। से यस। यस पक्का।
क्या मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया वो आपके 11, 12 से पूरा भिन्न था? तो कोई भी 11, 12 पर अभी भी कायम रहेगा? नहीं। तो इज्जत से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे फोकस करना। और सुनो, कल आपको कुछ भी पढ़कर नहीं आने का है, सिवाय दो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए। जो कुछ भी पढ़ाया मैं इसका क्यूमुलेटिव रिविजन लेकर मैं खुद ही खत्म करूंगा, सिर्फ आपको कल आना है, ठीक है? आज थोड़ा सा हैवी लगेगा बट भरोसा मानो सारे शॉर्टकट्स आपकी जबान पे होंगे, ठीक है? प्यार से भाई बोलो, सिर्फ दो क्वेश्चन होमवर्क दिए वो करके आ जाना, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा मैं इधर। बाय।